नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। एक ऑनलाइन पोल में बीती सदी के महानायक बने अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस ने साल 1981 में कमाल का कलेक्शन किया था, लेकिन आपको शायद जानकर हैरानी हो कि उस साल कलेक्शन के लिहाज से नंबर वन फिल्म थी दिलीप कुमार, मनोज कुमार, हेमा मालिनी और शशि कपूर की फिल्म क्रांति। मल्टी स्टारर फिल्म क्रांति के बाद मल्टी स्टारर फिल्म नसीब नंबर दो पर रही और जितेंद्र, हेमा मालिनी व परवीन बॉबी स्टारर फिल्म मेरी आवाज़ सुनो का इस लिस्ट में तीसरा नंबर रहा। अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस चौथे पायदान पर आता है। इसी साल रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की फिल्में कालिया और याराना भी हिट रही। ये और बात है कि अगले साल हुए फिल्म फेयर पुरस्कारों में एक भी पुरस्कार अमिताभ बच्चन को नहीं मिला। अगर आपने प्रकाश मेहरा की बनाई फिल्में ध्यान से देखी हैं, तो आपको समझ आएगा कि वो हर फिल्म में बाप और बेटे के नाजुक रिश्तों का एक नया दृष्टिकोण जरूर दिखाते थे। ये उनकी अपनी निजी जिंदगी के एहसास से निकले किस्से हैं। लावारिस की भी यही कहानी है और उनकी आखिरी हिट फिल्म शराबी की भी यही कहानी रही। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे लावारिस फिल्म की, जिसने समझाया कि जिसका कोई नहीं उसका तो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित फिल्म लावारिस कहानी है एक अनाथ हीरा की। रणवीर सिंह को विद्या से प्यार है, विद्या के पेट में हीरा है तो उसे रणवीर सिंह उसके हाल पर छोड़ देता है। विद्या जिस बच्चे को जन्म देती है उसे उसका भाई मरा हुआ बता देता है। जिस गंगू को बच्चा ठिकाने लगाने के लिए मिलता है वो उसे पाल लेता है। हीरा बड़ा होता है और उसे पता चलता है कि वो लावारिस है। उसकी जिंदगी में मोहिनी आती है और महेंद्र सिंह से वो दूसरों के लिए पंगा लेने को तैयार दिखता है। रणवीर फिर कहानी में लौटता है। हीरा और उसकी पटरियां समानांतर होने पाए उससे पहले महेंद्र फिर कैंची काट देता है। धिंगा मुस्ती होती है, धड़ पकड़ होती है, जूतम पैजार और लात घूसे चलने के बाद कहानी द एंड के स्टेशन पर पहुंचती है जहां सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाता है। फिल्म लावारिस में अमिताभ बच्चन तो अपने फुलटू मूड में हैं। जीनत अमान भी अपने कैरियर में इतनी नमकीन या तो यहां या फिर वहां हुई है जहां अमिताभ बच्चन फिल्म पुकार में गाना गाते हैं समंदर में नहाके और भी नमकीन हो गई हो। लेकिन आपको शायद पता ना हो कि जीनत अमान इस फिल्म की सेकंड चॉइस हीरोइन थी। फिल्म में हीरोइन तो पहले प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन की सिफारिश पर परवीन बॉबी को ही लिया था। परवीन बॉबी का ये वो दौर था जब वो कुछ भी कहीं भी किसी के भी सामने बोल देती थी। उन दिनों स्टारडस्ट मैगजीन को दिया गया उनका इंटरव्यू अब तक लोगों को याद है। बताते हैं कि परवीन की बिगड़ती मानसिक दशा और दिशा को देखते हुए ही फिल्म लावारिस का पहला शेड्यूल परवीन बॉबी के साथ शूट हो जाने के बावजूद उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया और जीनत अमान को इस फिल्म में लाया गया। प्रकाश मेहरा ने कभी इसकी कोई शिकायत नहीं की क्योंकि जो केमिस्ट्री अमिताभ बच्चन और जीनत अमान की फिल्म के गाने कब के बिछड़े हुए हम आज कहां आके मिले में दिखाई देती है वो इससे पहले अमिताभ और रेखा के बीच ही दिखी थी, या तो फिल्म सुहाग में या फिर उसके पहले मिस्टर नटवरलाल में। फिल्म लावारिस में अमिताभ बच्चन की मां बनी राखी के भी अजीब किस्से हैं शूटिंग के। फिल्म में एक सीन फिल्माया जाना था अमजद खान और राखी के बीच। डायरेक्टर प्रकाश मेहरा
सब लाइटिंग वाइटिंग करके लोकेशन पर रेडी टू टेक बैठे थे, लेकिन राखी है कि उनका पता ही नहीं। प्रोडक्शन मैनेजर फोन पर फोन किए जा रहा है और राखी के घर में जो फोन उठा रहा है वो उनसे बात तक नहीं करा रहा। प्रकाश मेहरा का माथा होते होते गर्म हो गया। अमजद खान उन दिनों बिजी सितारे थे और बड़ी मुश्किल से उनकी डेट मिली थी। प्रकाश मेहरा ने कहा कि लास्ट फोन मिलाओ, मेरी बात कराओ और इस बार बात ना हो तो आज का पैकअप, कल यही सीन किसी दूसरी हीरोइन के साथ करते हैं। प्रकाश मेहरा ने बोल तो दिया पर उनके दिल को धक से यह भी हुआ कि राखी ना आई तो फिर अमिताभ बच्चन की माँ का रोल करेगा कौन, क्योंकि खुद राखी तमाम मिन्नतों के बाद इस रोल के लिए तैयार हुई थी, और वो भी इसलिए कि अमिताभ बच्चन का वो फिल्म कभी कभी दिलाने के लिए एहसान मानती थी। खैर, फोन मिलाया गया, राखी के घर की घंटी बजी और इत्तेफाकन खुद राखी ने फोन उठाया। प्रकाश मेहरा की वो आवाज पहचान गई, छुटते ही बोली, बेबी की तबीयत खराब थी सुबह से तो फोन पर ना आ सकी, बस अभी शूटिंग पर पहुंचती हूँ। प्रकाश मेहरा ने लंबी सांस ली और फिर बात आगे बढ़ी। फिल्म लावारिस की तमाम बातों में से एक बात यह भी गौर करने लायक है कि इसके सारे गाने सुपरहिट थे। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, कट जाएगी साल का सुपर डुपर हिट गाना रहा। जीनत अमान के साथ वाला गाना कब के बिछड़े के बारे में मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। काहे पैसे पे तू इतना गुरूर करे है, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, ये दोनों गाने उन दिनों कानपुर में घंटा घर से परेड तक खूब बजा करता था। लावारिस की कमाई बॉक्स ऑफिस पर और कमाल होती अगर फिल्म में अमिताभ बच्चन का वो गाना मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है नहीं होता। साल 81 तक हिंदुस्तान इतना जेंटलमैन नहीं हुआ था। तमाम फैमिली वाले फिल्म देखने बस इसी गाने के चलते नहीं आए। ये अलग बात है कि अमिताभ बच्चन के स्टेज शोज में ये गाना खूब हिट रहा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये गाना पहली बार स्टेज पर अमिताभ बच्चन ने सरप्राइज के तौर पर गाया था। फिल्म में भी ये गाना अमिताभ बच्चन ने ही गाया है। इससे पहले वो फिल्म मिस्टर नटवरलाल में मेरे पास आओ मेरे दोस्तों जैसा हिट गाना पहले ही गा चुके थे। फिल्म लावारिस से पहले और फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के तुरंत बाद निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ दो फिल्मों का ऐलान किया था। एक का नाम था कायर और दूसरी थी जादूगर, लेकिन बनी फिल्म लावारिस। जादूगर बहुत बाद में जाकर प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ बनाई। लावारिस के बाद प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन दोनों ने अमेरिका में मशहूर मुक्केबाज मोहम्मद अली से मुलाकात की। प्रकाश मेहरा ने जीनत अमान, अमिताभ बच्चन और मोहम्मद अली को लेकर एक फिल्म जमीन के नाम से बनाने की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन फिल्म क्रांति देखने के बाद उनके होश उड़ गए। जमीन और क्रांति के क्लाइमैक्स बिल्कुल हूबहू एक जैसे ही थे। बाद में खुलासा हुआ कि क्रांति लिखने वाले सलीम जावेद ने ये सीन उसी टीवी सीरीज रूट्स से उठाए थे जहां से प्रेरित होकर जमीन लिखने वाले हरवंश कुमार ने अपनी फिल्म का क्लाइमैक्स लिखा था। प्रकाश मेहरा ने जमीन वहीं बंद कर दी। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।